Dear students of 9th class, today we will discuss one more question, that is question number 2 of the same exercise 2.5 of the same chapter polynomials. Dear students, इससे पहले कि हम इस question को simplify करें, dear students, subscribe my channel ताकि आने वाले हर next video आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और video share कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इनसे इस्तेमाल आ सके. Now we will discuss our question. क्वेश्चन में हमारे पास है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्ट. हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स है, उनको हमें प्रोडक्ट उनका प्रोडक्ट देखना है लेकिन विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली. हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 103 × 107, हम इजीली इसको डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं लेकिन यहां पे क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट मेथड हम यूज नहीं कर सकते. सॉल्यूशन को हम इसका प्रोडक्ट हम बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज से देख लेंगे. हमारे पास वी हैव 103 × 107, ये हमारे पास इनका प्रोडक्ट. दिस कैन बी रिटन एज 100 + 3, 100 + 3 इज 103 इंटू 107, दैट इज 100 + 7. हमारे पास एक आइडेंटिटी है, दैट इज x + a × x + b, इट इज ऑलवेज इक्वल टू x² + a + b × x + ab. ये आइडेंटिटी है हमारे पास, यही आइडेंटिटी हम यहां यूज करने वाले हैं. वी हैव x, x का वैल्यू 100 है, + a का वैल्यू 3, एक्स 100 है, बी का वैल्यू हमारे पास 7 है. यूजिंग आइडेंटिटी, यही आइडेंटिटी हम इसको यहां पे यूज कर लेंगे. वी गेट 103 × 107 किसके बराबर होगा तब जाके, दैट इज x² एक्स का वैल्यू 100 है, 100² + a का वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 + b का वैल्यू 7 है, इंटू x का वैल्यू हमारे पास 100 है, + a का वैल्यू 3 है, दैट इज 3 × 7, b का वैल्यू 7 है, इट इज इक्वल टू 100². 100² इज जस्ट 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास 100² + 3 + 7, दैट इज 10 × 100, दैट इज 1000 + 21, जब इनका सम होगा दैट इज 1, फिर 2 इसके साथ ऐड जाएगा दैट इज 2, फिर 0 है, फिर हमारे पास 0 है, 1, इट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट इसका है सॉल्यूशन. वी हैव हमारे पास है 95 × 96, दिस कैन बी रिटन एज 100 − 5 × 100 − 4, दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, दैट इज 100 + −5 × 100 + −4, जस्ट +−, ये अगेन यही आएगा 100 − 5, इसी तरह यहां पे भी. नाउ यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, यही आइडेंटिटी हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, दैट इज x + a × x + b इज इक्वल x² + a + b × x + ab. यूजिंग आइडेंटिटी डियर स्टूडेंट, ये वहां पे मेंशन कर लेना ही आइडेंटिटी. Therefore, तब जाके हमारे पास 95 × 96 इट इज इक्वल नाउ x² का वैल्यू हमारे पास यहां पे भी 100 है, 100². डियर स्टूडेंट, फिर हमारे पास है a + b, a का वैल्यू यहां पे -5 है, दैट इज -5 + b, b का वैल्यू -4, दैट इज +−, दैट इज -4,
इंटू एक्स, एक्स हमारे पास 100 है, प्लस ए बी, प्लस ए बी, ए हमारे पास माइनस फाइव, बी हमारे पास माइनस फोर, माइनस इंटू बिकम्स प्लस फाइव इंटू फोर, दैट इज 20. वी गेट हियर इट इज इक्वल टू नाउ 100 स्क्वायर, दैट इज 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास 100 स्क्वायर होगा. माइनस माइनस फाइव माइनस फोर इट बिकम माइनस नाइन, माइनस नाइन इंटू 100 दैट इज माइनस 900 प्लस 20. अब जाके इन दो का सम होगा दैट इज 10020 माइनस 900 दैट इज इक्वल टू 0 में से 0 दैट इज 0 होगा, 2 में से 0 दैट इज 2 ही आएगा. जीरो में से 9 हमारे पास 1 रहेगा, यहाँ पे 9 रहेगा, ये हमारे पास इन दो का प्रोडक्ट होगा. डियर स्टूडेंट इसी तरह थर्ड पार्ट जो है इट बिकम्स हियर 104 into 96, 104 वी कैन राइट इट एज 100 plus 4, एंड 96 कैन बी रिटन इनटू 100 minus 4, एंड दैट इज आल्सो इन दिस फॉर्म, वो भी इसी आइडेंटिटी फॉर्म में होगा. एंड यू विल ट्राई दिस पार्ट at your home. Thank you. Have a nice day.